एवरीवन एंड वेलकम टू वर्चुअल प्रोस चैनल। मैं हूं सीएस पार्श्वी पारेख और आज हम चालू करने वाले हैं मीटिंग्स चैप्टर, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट चैप्टर है क्योंकि ये मीटिंग रिलेटेड है, सीएस रिलेटेड है। प्लस जब भी ना कंपनी में मीटिंग्स हुआ करती थी, मुझे बड़ी मजा आती थी। बोर्ड मीटिंग हो चाहे AGM हो, आप लोगों को मतलब CA वाले जो लोग होते हैं, CA को मीटिंग अटेंड करने नहीं मिलती है। AGM भले अटेंड करने मिल जाए, बट जो बोर्ड मीटिंग्स होती है यूजुअली CAs आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट। रीज़न बीइंग क्योंकि वो लोग यार बिजी होते हैं, जो मीटिंग में फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाने होते हैं उसके लिए बिजी होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मीटिंग कंडक्ट करता है वो एक कंपनी सेक्रेटरी ही होता है अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ एंड एवरीथिंग। वो आपको आगे आएगा ही IPCC में, आएगा ही CA इंटर में, आएगा ही पढ़ने के लिए। बट फॉर नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंसिस विद यू ऑल एंड वील हैव अ लॉट ऑफ फन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, अच्छा वैसे ना मैं आप लोगों को मेरे जो पर्सनल फर्स्ट टाइम जब मैंने मीटिंग अटेंड की थी उसके भी एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी, ठीक है। लेकिन ये वाले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, मीटिंग्स में से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक्सचेंज होते हैं, मीटिंग में क्या क्या चर्चा होगी, किस चीज़ पे बात की जाएगी, इसके बारे में भी पहले से ही एक पॉइंटर बनाकर रख दिया जाता है। क्योंकि यार जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उनका टाइम बहुत कीमती है, तो अगर हम तब सोचेंगे कि यार ये मीटिंग में क्या डिस्कस करें तो नहीं चलेगा। मीटिंग में फटफट एजेंडा आता है, वो एजेंडा अप्रूव होता है या तो डिनाई होता है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद उस पर एक्शन स्टेप्स ली जाती है, ठीक है। All right, let's get started with chapter number 13, last second chapter of your whole syllabus. Uske baad we'll be done with it. This is the most interesting chapter according to me. So let's get started. Okay. According to business dictionary, a meeting is defined as formal or informal deliberative assembly of individuals called to debate certain issues and problems and to take decisions. डिसीजंस लेने के लिए मीटिंग ली जाती है, बस आप इतना ही याद रख लीजिए। कोई भी कंपनी में या कहीं पर भी हम लोग मीटिंग क्यों लेते हैं, ताकि हम सबके सजेशंस ले सके, कोई पर्टिकुलर इश्यूज पे डिस्कस कर सके और फिर उस पर एक कंक्लूजन पे, एक कलेक्टिव कंक्लूजन पे आ सके, राइट। फॉर्मल मीटिंग्स आर हेल्ड एट डेफिनेट टाइम्स, मतलब उसका जो टाइम है, जो प्लेस है, जो ड्यूरेशन है वो भी फिक्स्ड रहता है कि कितने टाइम के लिए मीटिंग होगी, ये भी फिक्स्ड होता है। टू फॉलो एन अग्रीड अपॉन एजेंडा, इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग मीटिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। एजेंडा को फॉलो करते हैं, एजेंडा मतलब पहले से ही बनाया हुआ एक लिस्ट होता है जिसमें पॉइंटर्स लिखे होते हैं कि आज की मीटिंग में ये सारी चीज़ें डिस्कस होगी, ऐसा जिसमें लिखा हुआ होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको मीटिंग, उसको एजेंडा कहा जाता है। और वही एजेंडा पे डिस्कशन होता है एक मीटिंग के अंदर, ठीक है। वो स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्लेस को ही कंडक्ट होती है। अच्छा, मीटिंग्स दो टाइप की होती है। सबसे पहली है ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग। इस पे आपको हो सकता है चाहे क्वेश्चन इस चीज पे भी आ जाए कि एक मिनट बनाकर बताओ या एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाकर बताओ, या फिर आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग क्या है या फिर ऑपरेशनल मीटिंग क्या है। इस ये वाले चैप्टर में दोनों भी, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। या आपको एजेंडा बनाने के लिए भी बोल सकते हैं ऐसा। तो हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, जैसे कुछ भी पूछ सके तो हमें आ जाए। इसमें क्योंकि ये स्कोरिंग वाला चैप्टर है तो इसमें हम अच्छे से सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग क्या होती है। अ रेगुलर मीटिंग इन्वॉल्व्स स्टॉक होल्डर्स एंड मैनेजमेंट सच एज बोर्ड मीटिंग एंड एनुअल जनरल मीटिंग। ये एक नॉर्मल मीटिंग है। ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग मतलब जो कंपनी के अंदर मीटिंग्स होती है उसको ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग कहा जाता है, जिसमें शेयर होल्डर्स भी आते हैं और मैनेजमेंट भी आते हैं, जिसमें मैनेजमेंट ही सिर्फ है। मैनेजमेंट मतलब कौन, आप लिख लो यहाँ पर, मैनेजमेंट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लस चेयरमैन प्लस CEO प्लस MD। CEO और MD यूजुअली एक ही होता है कंपनी के अंदर। ये जो सारे लोग हैं प्लस CS भी ऐड कर लो प्लस CFO, ये जो सारी पोजीशंस है ये सब लोग मैनेजमेंट के लोग कहे जाते हैं, ठीक है। ओके, इनकी जब मीटिंग होती है तो इसको ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग कहा जाता है। हम जैसे शेयर होल्डर है जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हैं, मेरे पास इन्फोसिस के शेयर्स हैं, मैंने खरीद के रखे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एनुअल जनरल मीटिंग, जहाँ पर सारे शेयर होल्डर्स आते हैं। साल में बस एक ही बार होती है सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग, उसे कहा जाता है एनुअल जनरल मीटिंग। ये दोनों मीटिंग्स किस में आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग के अंदर आते हैं। ऑलराइट,
Second is operational meeting. What do you mean by operational meeting? Regular or ad hoc meetings involving management and employees. जिसमें employees आ गया. Operational. Operational का मतलब होता है जो day to day activities चल रही है, जो administrative type की planning, sales related या purchase related अगर कोई meeting है तो वो हमारे एम्प्लॉयज के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में, मतलब कंपनी के अंदर होगी. तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑपरेशनल मीटिंग कहा जाता है. ठीक है, याद रखना है ऑपरेशनल मीटिंग के अंदर एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट दोनों आएंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर एम्प्लॉयज आएंगे. ठीक है, मार्क करके रख लो ये वर्ड. मीटिंग्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीडे लाइफ एट वर्क प्लेसेस इन मॉडर्न टाइम्स. वी ऑल नो दैट मीटिंग्स आर कंडक्टेड बाई पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम्स एंड इशूज फेस्ड इन द प्लानिंग. ओके, अब हम लोग आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर अ मीटिंग. व्हाई डू यू नीड अ मीटिंग, व्हाई डू यू नीड टू कंडक्ट अ मीटिंग? क्योंकि ये बहुत जरूरी है. अगर हमें कोई भी चीज डिस्कस करनी है तो सबके इनपुट्स लेना जरूरी है. लेकिन एक अच्छी मीटिंग कंडक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए है ये भी हमें देखना पड़ता है. तो हम अभी वही पढ़ने वाले कि क्या क्या चीजें चाहिए है सो दैट हमारी जो मीटिंग है वो स्मूदली कंडक्ट हो जाए. ठीक है, नंबर वन, सिलेक्ट द राइट पार्टिसिपेंट्स. अगर मीटिंग एम्प्लॉयज के रिलेटेड है तो फिर वो सारे एम्प्लॉयज को बुलाओ जो टीम के हेड्स हो, या फिर अगर मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग है तो सारे शेयर होल्डर्स को बुलाओ, या फिर अगर मीटिंग सिर्फ और सिर्फ ऐसी है जहां पर मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मीटिंग बुलाओ. ठीक है, तो राइट पार्टिसिपेंट्स डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. The participants in the meeting have to be chosen with extreme care. Often people are included because they belong to the department or are a part of team. Because you do not want to offend anyone. To engage in a purposeful meeting, participants must have a reason for attending a meeting. A point of view about the issue, the need to know, the authority to make a decision or any useful information that will add value. Highlight kar lo. Aise logo ko bulana chahiye jo hamare meeting mein value addition kare. और अपने लाइफ में भी ऐसे लोग रखने चाहिए जो अपने लाइफ में क्या करे, वैल्यू एडिशन करे. सेकंड पॉइंट, सेट एन एजेंडा. एजेंडा क्या है, एक लिस्ट ऑफ आइटम है, यहाँ पर साइड में आप बना लो. एजेंडा का मतलब होता है एक लिस्ट ऑफ आइटम जो हम मीटिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, वो सारे पॉइंटर्स उसके अंदर लिखे होते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव, सारे पर्पसेस, एक फ्रेमवर्क होता है कि इसके ऊपर अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, सेट एन एजेंडा. एन एजेंडा मस्ट बी फॉर्मलाइज्ड बिफोर द मीटिंग. उसके पहले ही, मतलब मीटिंग अगर मैं आज कंडक्ट करने वाली हूँ तो मेरा जो एजेंडा है वो 7 दिन पहले बन के तैयार होना चाहिए. ठीक है, ओके, 7 दिन पहले नहीं तो भी 2-3 दिन पहले, मीटिंग के पहले, समझ गया ना आप लोगों को. एजेंडाज आर द ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस एंड फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस द पॉइंट ऑफ डिस्कशन. की हमारा क्या होता है ना यार, कि हम दोस्तों से मिलते हैं, हम थोड़ी ऐसा एजेंडा बना के जाते हैं, तो बात कोई चालू हुई तो वो बात कहाँ पर पहुंचेगी कोई नहीं जानता. यस और नो, तो ऐसा ना हो जाए इसीलिए ये एजेंडा रखते हैं, सो दैट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये सारे पॉइंटर्स पे ही हो. ठीक है, इट कम्युनिकेट्स द सब्जेक्ट ऑफ द मीटिंग, लिस्ट्स द स्पीकर एंड स्टेट्स द टाइम अलॉटेड टू ईच स्पीकर, सो फोर्थ. नेक्स्ट पॉइंट है, सेंड इंटीमेशन टू ऑल पार्टिसिपेंट्स. जो हमारा मीटिंग कंडक्ट होने वाला है उसका नोटिस पहले से तो देना पड़ेगा ना. हमारी शादी अगर होने वाली है तो मुझे आपको इनविटेशन तो पहले से देना पड़ेगा ना. अच्छा, आप सभी लोग इनवाइटेड हो मेरे शादी में? यस और नो? दीदी हम आप हमको कैसे बुलाओगे ना? अरे कोई बात नहीं यार, वर्चुअल बुला लूंगी और क्या. अच्छा आपको पता है मेरे तो स्टूडेंट्स इतने बदमाश है ना, बोलते दीदी हम नहीं आ पाएंगे आपकी शादी में, आप तो वैसे ही नहीं बुलाने वाले हो, तो फिर हम ऐसे क्यों ही बोले ना कि आप हमें बुलाओ, हम नहीं आ सकते हैं, हमारा अटेम्प्ट रहेगा. बोला अच्छा, ऑलराइट, सेंड इंटीमेशन टू ऑल पार्टिसिपेंट्स. देखो फिर ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो फिर से पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे आने के लिए सामने एजेंडा होना चाहिए. जैसे आज की हमारी क्लास का एजेंडा क्या है, कि हम लोग मीटिंग्स वाला जो चैप्टर है वो खत्म करने वाले हैं. ओके, तो हमें सबसे पहले इंटीमेशन देना पड़ेगा पार्टिसिपेंट्स को कि मीटिंग कंडक्ट होने वाली है, ये डेट को, ये टाइम को, ये प्लेस को, तो आपको आना है. यस और नो? नोटिस जिसे कहा जाता है नोटिस, ये जो हम देंगे ना इनविटेशन जो वेडिंग के पहले दिया जाता है, वैसे ही मीटिंग के पहले नोटिस दी जाती है. ठीक है, लिख लो आप लोग, याद रहेंगे आपको ऐसे करके चीजें.
notice or circular for the meeting should be sent by a competent authority. A competent authority in most cases company ke andar hota hai, company secretary. At least 2-3 days prior to the meeting so that participants have time to gather information and data required for it. It must have information about date, time, venue, name of participants and agenda of the meeting. उसमें सब कुछ सारी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ों पे डिस्कशन होने वाला है सो दैट हम पहले से ही प्रिपेयर हो सके. नेक्स्ट इज अपॉइंट अ फैसिलिटेटर. फैसिलिटेटर क्यों अपॉइंट करना है? सो दैट हमें पता चले कि कौन एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा प्रोसेस खत्म करेगा. यस और नो? ओके. कि डिसीजन मेकिंग में कोऑपरेशन देना है या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आ जाए. कोई दो डायरेक्टर्स के बीच में झगड़ा हो गया तो फिर क्या कर लेंगे? तो एक फैसिलिटेटर चाहिए होता है. फैसिलिटेटर इन मोस्ट केसेस होता है एक कंपनी सेक्रेटरी. फैसिलिटेटर इज अपॉइंटेड टू गाइड द मीटिंग टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन. हिज और हर टास्क इज टू एड द ग्रुप इन रीचिंग अ कंसेंसस. एक डिसीजन पे कंसेंसस मतलब उन सबका कंसेंट लेना. क्या लेना? उन सबका कंसेंट लेना. ओके. व्हाइल टेकिंग अप अ डिसीजन. इन लोगों का ही ये काम होता है, कंपनी सेक्रेटरीज का ही काम होता है कि स्ट्रक्चर्ड वे में पूरी मीटिंग अच्छे से हो जाए, सब लोग अच्छे से डिसाइड कर सके, उनका डिसीजन इम्पोर्टेंट हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, या फिर यू नो रेजोल्यूशन आ जाए. मतलब रेजोल्यूशन आ जाए मतलब दोनों पार्टी अग्री कर ले या सब लोग अग्री कर ले या मैक्सिमम लोग अग्री कर ले. नेक्स्ट इज अराइव एट क्लियर कंक्लूजन एंड फॉर्मुलेट नेक्स्ट स्टेप. देखो यार, मीटिंग तो हो गई, मीटिंग के बाद जितना हमने मीटिंग में डिस्कस किया उसके बाद भी तो डिस्कशन, उसके बाद भी उसके एक्शन स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे ना. तो फिर इसके लिए हमें एक कंक्लूजन पे आना जरूरी होगा, तभी तो आगे चल के हम उसके ऊपर स्टेप्स ले सकेंगे, उसके ऊपर एक्शन ले सकेंगे. यस और नो? तो वो भी हमने लेना है. इसीलिए ही मिनट्स प्रिपेयर किए जाते हैं. जब भी कोई मीटिंग खत्म हो जाती है, सपोज कोई बोर्ड मीटिंग हमने कंडक्ट की थी जिसमें सारे डायरेक्टर्स थे कंपनी के और बड़े बड़े लोग थे, उसके बाद जब मीटिंग खत्म हो गई तो हम लोगों ने सब कुछ बैठकर लिखा कि ये मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ था, किसने क्या कहा था, ये सब कुछ हम लोग लिखते हैं. इसको बोला जाता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग. ठीक है? और ये मिनट्स में क्या लिखा होता है, जितनी भी हमारी पूरी मीटिंग कंडक्ट हुई उसमें का पूरा समरी फॉर्म में लिखा जाता है. ठीक है? जिससे हमें आसानी जाए नेक्स्ट एक्शन स्टेप लेने के लिए, इसीलिए मिनट्स को प्रिपेयर किया जाता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेशन. देखो, टॉपिक सेंट्रिक अगर हो तो फिर जिसमें सीनियर मैनेजमेंट के लोग भी बात कर सके और जूनियर मैनेजमेंट के लोग भी बात कर सके. सपोज जैसे मेरे साथ हुआ था, कुछ मीटिंग्स हो गई थी तो फिर मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी. मैं आपको मेरी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का भी एक्सपीरियंस बताऊंगी. आई वॉज किक्ड आउट ऑफ माई फर्स्ट बोर्ड मीटिंग. येस, बट दैट वी विल डिस्कस लेटर. अभी के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरी शायद फिफ्थ या सिक्स्थ बोर्ड मीटिंग थी एंड आई वॉज वेरी कंफर्टेबल. मतलब सारे डायरेक्टर्स अपने थोड़े से पहचान के टाइप बन गए थे. वेरी फ्रेंडली, वेरी नाइस डिस्कशन दे यूज टू हैव. सो वॉट हैपेंड वॉज कि हम लोग बात कर रहे थे CSR के ऊपर, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर कंपनी को अपने कमाए हुए पैसों में से थोड़ा सा पैसा कुछ अच्छे काम करने के लिए डालना पड़ता है, एकदम बेसिक लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊँ तो. तो फिर मेरे पास भी एक सजेशन था. मुझे चाहिए था कि जो मेरे मैनेजमेंट या जो टीम के लोग हैं वो लोग क्या करें ना, क्योंकि मैंने इतनी सारी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ ली थी तो मुझे चाहिए था कि वो लोग क्या करें, एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन कंडक्ट करें और उसमें सारे ही जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं यू नो जिन लोगों को जस्ट वन सेकेंड. हेलो, हूँ छे ने लेक्चर रेकॉर्ड करूँ छू, हूँ करूँ तमने पछी कॉल. ओके. आजकल बड़े कॉल्स आते हैं. एनीवेज, तो उसमें क्या हुआ था कि मैंने, मतलब मेरा ये सजेशन था कि जितने भी ऐसी स्कूल्स हैं, जो ऐसी छोटी छोटी स्कूल्स हैं, म्यूनसिपैलिटी गवर्न स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन कंडक्ट की जाए और वो ड्राइंग कंपटीशन में से जो फर्स्ट आता है उन लोगों को मेडल वगैरह भी दिया जाए, उनका फेलिसिटेशन भी हो और बाकी सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको ड्राइंग बुक और कलर पेंसिल्स और ये सारी चीज़ें दी जाए. क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स भी होती है वहाँ पर बुक्स तो फ्री में मिलती है लेकिन ये नहीं मिलता है. आई वॉज वेरी नर्वस टू यू नो टेक माई यू नो लाइक स्पीक अप देयर, क्योंकि इतने सारे डायरेक्टर्स थे. बट फिर भी अपन ने सोचा कि बोल ही देते हैं, अपन तो है ही शायद, आपको तो पता ही है. मतलब
यार इतने बड़े बड़े लोग बैठे होते तो उनके सामने बोलने से पहले थोड़ा सा तो लगेगा ना, आपको भी लगेगा, मुझे भी लगेगा, मैं भी तब स्टूडेंट ही थी, आर्टिकलशिप ही चल रही थी मेरी। बट समहाउ लेटर ऑन ऐसा पॉइंट आ गया था कि देर वर डिस्कशंस दैट वर टेकन बाय द सीनियर मेंबर्स एज वेल, मतलब जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं, जो सीईओ एमडी वगैरह है, वो लोग भी सजेशंस लेते थे कि ऐसा नहीं है कि ये इंटर्न है तो ये सजेशन नहीं दे सकती है, उनके सजेशन हो सकता है ज़्यादा वैल्यू ऐड करे एज कम्पेयर टू बाकी लोगों के सजेशन, क्योंकि उन्होंने उनका थ्योरी स्ट्रॉन्ग करके रखा है, क्योंकि उन्होंने और 10 कंपनीज का देखा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ होनी चाहिए सो दैट सीनियर मैनेजमेंट के सामने भी जो जूनियर लोग हैं वो लोग भी अपने इनपुट्स कंट्रीब्यूट कर सके। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो क्रिएटिविटी आएगी, तभी तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, यस और नो? सो ऑलवेज कीप इन माइंड, बहुत ज़्यादा होशियारी भी नहीं मारनी है आपने, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है और अगर ऐसे कोई सजेशन है, जैसे कि हमारे एनुअल रिपोर्ट के लिए कलर स्कीम डिसाइड हो रही थी, तो फिर मैंने जो CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हमारे कंपनी के जो तब थे, मैंने उनको सजेस्ट किया था कि हम पैंटोन कलर ऑफ द ईयर ले सकते हैं और ये वाले कलर स्कीम में हमारी एनुअल रिपोर्ट रख सकते हैं। उनको तो पता ही नहीं था कि ये पैंटोन कलर ऑफ द ईयर क्या होता है ऐसा वैसा। सो ऑलवेज इफ यू हैव न्यू आइडियाज ऑलवेज शेयर इट विद योर सीनियर मैनेजमेंट, यस और नो? क्योंकि उससे हमारा एक्सपोजर ही बढ़ता है और वैसे सीनियर मैनेजमेंट भी ऐसे होने ही चाहिए जो सपोर्ट करे ये सारी चीज़ों को। But in most cases, let your ideas have a free flow and share it with your senior management, ठीक है? All right. बहुत ही सारी ज्ञान की बातें हो गई। Now let's look at the need for an agenda. Agenda मैंने आपको बता दिया, हर एक जगह जहाँ जहाँ agenda लिखा है, ऐसा डब्बा बना लो और ऐसी list लिख लो। जैसे इससे आपको समझ में आ जाएगा कि what is agenda? It is a blueprint for building successful meetings. इसमें सारे पॉइंटर्स लिखे होते हैं कि आज हम ये वाले मीटिंग में ये चीज़ पे बात करेंगे, वो चीज़ पे बात करेंगे, ये वाला टाइम दिया जाएगा इनको, ये वाले सीक्वेंस में हम लोग सारे एजेंडा आइटम्स डिस्कस करेंगे, ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये सब कुछ वो एजेंडा के अंदर लिखा जाता है, ठीक है? सो वॉट आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड, वॉट आर द थिंग्स दैट आर असेंशियल? नंबर वन, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पज ऑफ द मीटिंग। हम ये मीटिंग में क्यों आ रहे हैं, हम ये मीटिंग में क्यों जा रहे हैं, ये हमें क्लियर करना है। Inform the issues or topics to be discussed. Keep the meeting focused on issues. Prevent the speaker to deviate from subjects. ये subject से दूसरे topic नहीं भटकना है, इसीलिए हमने ये agenda बनाया हुआ है. Guide the participants to understand and prepare for their roles. Allot specific time to each speaker. Inform the sequence in which the members will speak. All right. An example of tabular agenda. ये वाला जो agenda का फॉर्मेट है ये टैबुलर फॉर्म में है, मतलब एकदम टाइम टू टाइम ऐसा दिया हुआ है, टॉपिक का एक कॉलम दिया है, एक कॉलम कौन कौन आने वाला है उनका दिया है, एक कॉलम जो बोलने वाला है उनका दिया है, और कितना ड्यूरेशन उनको मिलने वाला है इसका भी कॉलम दिया हुआ है। बट मोस्टली लिस्टेड कंपनीज के अंदर ऐसा ड्यूरेशन का कॉलम नहीं होता है, क्योंकि सब लोगों के रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है, तो फिर जिनको जितना डिस्कस करना है वो ओपनली डिस्कस कर सकता है, राइट? ओके, जैसे ये सेकेंड वाला है, ये सेकेंड टेम्पलेट है एजेंडा का। ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिखना है, डेट टाइम लोकेशन। इसके बाद एजेंडा आइटम्स में देखो क्या क्या लिखा है, कॉल टू ऑर्डर, प्लेज, वेलकम, इंट्रोडक्शन, रोल कॉल। रोल कॉल का मतलब होता है जैसे हमारी अटेंडेंस ली जाती है, ठीक वैसे ही इसमें भी रोल कॉल लिया जाता है। अप्रूवल ऑफ प्रीवियस मीटिंग्स, ओल्ड बिजनेस, न्यू बिजनेस, एडिशंस टू एजेंडा, कैलेंडर, एडजर्नमेंट, अदर नोट्स और इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। ओके, रिकॉर्डेड बाय डेट, दिस इज नथिंग बट एजेंडा, इट इज अ लिस्ट ऑफ आइटम। देखो ये वाला भी एजेंडा हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, डिस्कसिंग अपकमिंग स्ट्रैटेजी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टी ब्रेक है यहाँ पे, मार्केट ट्रेंड्स, डिटेल्स ऑन कॉस्टिंग, ओपन हाउस। ओपन हाउस मतलब जिनको जो डिस्कस करना है वो कर सकते हैं। लास्ट में होता है थैंक यू नोट, जो चेयरपर्सन ही देता है इन मोस्ट केसेस। ऑल राइट, अच्छा अभी मैं आप लोगों को ये बताओ क्या हुआ था जब मैंने स्टार्टिंग में आर्टिकलशिप ज्वाइन की थी, और क्या हुआ था 3-4 दिन बाद ही इन लोगों की सबसे बड़ी वाली, साल की जो सबसे बड़ी बोर्ड मीटिंग है वो कंडक्ट होने वाली थी, जिसमें पूरे साल के फाइनेंशियल्स अप्रूव होते हैं। और हुआ ऐसे कि सबसे पहले ऑडिट कमेटी होती है, उसके बाद फिर होती है बोर्ड मीटिंग, ठीक है? तो ऑडिट कमेटी में अब नए नए गए थे, इंटर्न बन के बैठे थे, बहुत अच्छा लग रहा था,
मतलब एकदम ऐसा जो फिल्म्स में दिखाते ना वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। इतना बड़ा राउंड टेबल है, सारे डायरेक्टर्स सूट वूट में है और डिस्कशन चल रहा है। और क्या हुआ था वो वाले दिन, जो हमारे एमडी है, जो सीईओ और एमडी है, उनके जो बेटे हैं वो भी आए थे, वो सीए कर रहे थे, तो वो भी आए थे एक्सपोजर के लिए कि कैसा होता है क्या होता है। तो वो हमारे बाजू में बैठे थे, मेरे साथ मेरे और एक इंटर्न थे, मतलब मेरे और एक कॉलीग थे जो वो भी इंटर्न ही थे। तो हम तीनों बैठकर गप्पे मार रहे थे कि अभी क्या चल रहा है, आपको पता है क्या, हमें भी नहीं पता अभी क्या चल रहा है, ये कैसे होता है, आपको पता है क्या, और ये सारी चीज़ों पर हम बातें थे। यार इन लोगों ने सेम ये पहना है, इन लोग ये लोग ना शायद ऐसे होंगे वैसे होंगे, ऐसे हम लोग इतनी पंचायती कर रहे थे। उसके बाद जैसी मीटिंग खत्म हुई, क्योंकि यार तब तो क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है ना कि वाओ सो फैंसी ऐसा, फिर जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो फिर जो हमारे सीएफओ सर जो काफी स्ट्रिक्ट थे, वो कहते हैं हमारी मैम से कि इन लोगों को बोर्ड मीटिंग में एंट्री ही अलाउड नहीं है, ये लोग ऐसा गप्पा मार रहे थे, बोल रहे थे, गप्पा गोष्ठी कर रहे थे, तो इन लोगों को अलाउड ही नहीं है। सो वी वर किक्ड आउट ऑफ द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग दैट वी वर सपोज टू अटेंड। और उसके बाद की सारी बोर्ड मीटिंग्स में आई वॉज एकदम साइलेंट और एकदम शांत, कि अच्छे से देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। चलो बहुत सारी बातें हो गई, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू मिनट्स ऑफ द मीटिंग। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। एक हमने डॉक्यूमेंट देखा एजेंडा था, दूसरा डॉक्यूमेंट है मिनट्स। एजेंडा मीटिंग के पहले बनता है, लिख लो यहाँ पर प्लीज, नहीं तो फिर जब आप रिवाइज करोगे तब भूल जाओगे, ये आपको हमेशा काम आएगा। मीटिंग एजेंडा पहले तो लिख लो ऐसा करके, एजेंडा मीटिंग के पहले बनता है। Just one second. Hello everyone and welcome. Okay. Or minutes. Meeting के बाद बनते हैं। ठीक है, तो आपको फर्क समझ आ जाएगा, ये दोनों भी चीजें आप लोग आपके लैंग्वेज में लिख लो ऐसा करके साइड में। ऑल राइट, मिनट्स ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल्स और इनफॉर्मली नोट्स आर द इंस्टेंट रिटन रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग और हियरिंग। ये एक रिटन रिकॉर्ड होता है, जितनी भी पूरी मीटिंग हम लोगों ने फॉलो की उसका एक रिटन रिकॉर्ड, कि इसने ये बोला, ये डिसाइड हुआ, वो डिसाइड हुआ, ये वाले सारे लोग आए थे, ये वाले लोग नहीं थे, एबसेंट थे, ये वाला मीटिंग हमने, ये वाले मीटिंग में ये डिस्कस किया, ऐसा सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है। नीड फॉर प्रिपेयरिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग, क्या नीड है मिनट्स प्रिपेयर करने के लिए, सो दैट हमें पूरा सब कुछ रिकलेक्ट हो जो मीटिंग में हुआ था, हमारे जो इंटरप्रिटेशन थे वो एकदम ही ज़्यादा डाइवर्स हो, मतलब हमें पता हो कि ये चीज़ें एक्शन प्लान हमें लेना है आगे चल के। इम्पोर्टेंट टास्क कैन बी फॉरगॉटन, तो इसीलिए उसको नोट कर देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर और रिपोर्ट और एक्शन टेकन प्लान माइट बी ओवरलुक्ड, वो ओवरलुक ना हो जाए कि ये डेट तक ये काम कंप्लीट करना है, तो इसीलिए हम लोग मीटिंग मिनट्स में वो पहले से ही लिख लेंगे। रिटन रिकॉर्ड रहता है जो हमेशा रेडीली अवेलेबल होता है, रेडी रेफरेंस के लिए रहता है। यूज एज रिमाइंडर्स फॉर वन सेल्फ एंड फॉर अदर्स, एज अ रिमाइंडर इसे हम यूज कर सकते हैं, कैन बी रिक्वायर्ड फॉर लीगल रीजन, बहुत सारे बैंक्स में बहुत सारे कंपनीज में मिनट्स स्टिक करने पड़ते हैं, मिनट्स अटैच करने पड़ते हैं विद द डॉक्यूमेंट्स, तो लीगल रीजन के लिए भी हमें मिनट्स काम आते हैं। ऑल राइट, स्टेप्स इन राइटिंग द मिनट्स, मिनट्स को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो प्री प्लानिंग लगती है कि क्या एजेंडा था, उसमें से हमने तब के तब क्या क्या नोट्स ली, ऐसा ही एक सिमिलर ऑर्डर हमें बनाना पड़ेगा, कौन से लोगों ने मीटिंग अटेंड की थी, कौन से डॉक्यूमेंट्स या हैंडआउट्स हम लोगों ने मीटिंग में दिए थे जो हमें वो भी फाइल करके रखने पड़ेंगे, फिर वो सारे इंस्ट्रक्शंस, फिर गेट क्लियर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर रोल ड्यूरिंग द मीटिंग, आपका क्या रोल था, हर एक पर्सन को कितना टाइम मिला था, मिनट्स उस हिसाब से हम लिखेंगे। सेकेंड इज रिकॉर्ड टेकिंग एट द मीटिंग, जब मीटिंग चल रही है अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड टू रिकॉर्ड द मीटिंग। अब आपको ऑब्वियसली मीटिंग तो खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप कैसे ये करोगे कि इन्होंने ये कहा था उन्होंने वो कहा था, तो इसीलिए जब मीटिंग चल रही है तभी आप यू नो यू कैन टेक अ रिकॉर्ड ऑफ इट कि इन्होंने ये कहा है उन्होंने वो कहा है, ये डेट तक ये हो जाना चाहिए वो डेट तक वो हो जाना चाहिए।
date and time of meeting, name of all participants, action taken, decision taken, steps taken, future plan, date and time of next meeting, ये सारी चीजें जो भी discuss हुई थी उसका भी हमने record लिखना है हमारे minutes के अंदर. All right. Suggestions for taking notes, have a format or structure ready. आपके पास एक book रहनी चाहिए जब meeting चल रही है तब लिखने के लिए, so that you can jot down easily. Keep a record of attendees, कौन लोग आए थे कौन लोग नहीं आए थे. Mention all absentees, जैसा कि मैंने आपको बोला था कौन लोग आए कौन लोग नहीं आए. Make notes of all items for discussion, सारे discussion जितने भी हुए थे उसके भी आप notes बना लो, कि कहीं अगर आपको clarification भी चाहिए तो आप पहले ही पूछ लो. Don't try to capture it all as it is impossible to write down it completely. सब कुछ तो हम कोई भी नहीं लिख सकता है, तो जितने भी पॉइंटर्स हैं वो आप लिख लो. सो इसको रेफर करके फिर आप आपकी मिनट्स अच्छे से बना सकोगे. रिकॉर्ड इट, यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड द मीटिंग ऑन योर स्मार्टफोन, आईपैड, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस में इसमें. However, all participants must know that they are being recorded. You guys, legal reasons के वजह से सारे participants को पता होना चाहिए कि आप उनको record कर रहे हो. So that वो careful रहे. The recording is useful if you need any clarifications. अगर आपको बाद में भी कभी लगा तो फिर आप उसको देखकर लिख सकते हो. The minutes writing process. अब हमने already देख लिया कि ऐसा था वैसा था. हम लोगों ने jot down भी कर लिया rough में. अब हम fair करेंगे. अब हम actually लिखेंगे. Accurate recording depends on writing the report. कि आप कैसे लिख रहे हो. आपको सब कुछ recall हो रहा है या नहीं. Go through your work again, recheck with all concerned to ensure all decisions and resolutions are correctly noted in the minutes. Ensure that all required details are noted. Notes should be brief and easy to understand. Minutes aapne ekdam easy to understand likhni hai. Ensure proper sequence, do not include personal conflicts. Reference material can be attached. Distributing or sharing meeting minutes. एक बार जब meeting आपकी बन जाती है, आप एक बार आपकी जब minutes बन जाती है, तो आपने वो minutes को भेजना है सारे directors को या सारे competent authority को, so that अगर उनको इसमें कोई भी change लगता है, तो वो आपको बता सके, ठीक है? उसके बाद filing and storing of minutes. Finally, जब approve हो जाता है, तो आपने जो आपके minutes है, उसको file करना है, अगर आपको कहीं लगे तो. Need to be filed for future references. Minutes can also be stored online in hard drive. Hard drive में भी आप store कर सकते हो या फिर actual जो files होते हैं वो भी आप save कर सकते हो. मतलब actual files में भी आप उसको रख सकते हो hard copy format में. You guys, minutes हर एक meeting के आपको रखना ज़रूरी होता है. चाहे 10 साल पहले आपकी कोई meeting conduct हुई थी उसके भी minutes आपके पास होने चाहिए. Yes or no? इसीलिए minutes are very very important. कंपनी सेक्रेटरी का एक कंपनी के अंदर मेन काम ये भी होता है. मिनट्स कौन बनाता है? कंपनी सेक्रेटरी ही मिनट्स बनाते हैं. ऑलराइट, ये मिनट्स का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आप ऐसे करके आपके खुद के मिनट्स बना सकते हो कि ये डेट को मीटिंग कंडक्ट हुई थी, ये यहाँ का स्टार्ट टाइम था, पार्टिसिपेंट्स जो आए थे वो ये सारे लोग थे, मिस्टर रमेश चेयरपर्सन थे जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, हेड नोट स्पीकर थे जिन्होंने न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताया, ये पर्सन ने अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताया, ये पर्सन ने उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताया, ये सारी चीज़ें जो भी कंडक्ट मतलब जो भी बातचीत हुई थी वो सारी चीज़ें इसमें हम लोगों ने इंक्लूड की. चेयरपर्सन ने डिक्लेयर किया ओपन हाउस के लिए जहाँ पर सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपनी अपनी चीज़ें बताई, फिर उन्होंने वोट ऑफ थैंक्स दे दिया. कंक्लूजन्स स्टेटेड, प्रपोजल्स फॉर मोर फंड पुट फॉरवर्ड, टेंडर्स टू बी रिलीज्ड, ATR to be submitted by this date. ये भी हमने discuss कर लिया था. Now what is ATR? ATR कब होता है ना you guys? ATR is usually done after 5-7 days of the meeting. मतलब ये भी बाद में होता है. ये भी आप लोग यहाँ पर लिख लो. Meeting के बाद में होता है ये. Meeting के कुछ दिनों बाद होता है. ठीक है? Okay. Action taken report is a report compiled few days after the meeting stating the various actions taken. जो भी meeting में discuss हुआ था क्या हमने वो actions लिए हैं या नहीं लिए हैं, ये हमने action taken report से बताना है. ये उसका practical example है. This is the format. Date हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है. As per the meeting held on 5th December at the dash dash, following actions have been reported. Clients had compiled to delivery of goods by this date. Work done. The client has asked for more time for installation. The order has been retained and the client's proposal has been agreed to. Undersigned, किसने sign किया? Director of Sales and Marketing, Director of Business. बस
इतना ही एक्शन टेकन रिपोर्ट में आता है जो हम लोगों ने मीटिंग में डिस्कस किया था वो हो चुका है या नहीं, इसमें बस वही सारी चीज़ें आती है, येस और नो। ऑल राइट, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आपको दी है और उसके आंसर्स भी आपको दिए हुए हैं। लेट्स डू अ थिंग, एक तो भी एजेंडा हम लोग पढ़ते हैं। लेट्स टेक थर्ड क्वेश्चन। As the chief of staff to the director of finance, prepare a tabular form agenda for of an upcoming meeting. The agenda is to discuss a new merger with a foreign client. Your company is into telecom sector. ठीक है, imaginary है पूरा, देखते हैं अपन। Tabular form है मतलब time, topic, attendee, speaker, duration सब आएगा, ठीक है। इसके बाद हम time allot सबसे पहले डाल देंगे। देखो practically जब आप solve करोगे ये सारे questions, टाइम सब में पहले डाल देना है और कितना टाइम डाला है यहाँ पर उसका ड्यूरेशन भी डाल देना है कि इसको इतना टाइम दिया, इसको इतना टाइम दिया, इसको इतना टाइम दिया। इसके बाद इंट्रोडक्शन हमेशा याद रखना कौन देता है, वोट ऑफ थैंक्स हमेशा कौन देता है, सारे पार्टिसिपेंट्स को चेयरपर्सन देता है, तो ये हमेशा आपने एज इट इज लिख लेना। उसके बाद ओपन हाउस होता है, ये भी हमें पता है, लास्ट सेकेंड जो होता है वो ओपन हाउस होता है कि सारे पार्टिसिपेंट्स जिसको भी डिस्कस करना है कर सकते हैं। इसमें स्पीकर कौन होते हैं, ऑल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ये 10 मिनट का आपने डाल देना है। तो बेसिकली इतना पार्ट आपको ऑलरेडी आता है, इसमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अलॉन्ग विद दैट ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये भी आप लोगों को आता है, इसमें भी आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये हमेशा इंट्रोडक्शन ही रहेगा। इसके बाद बीच में आपको बताया हुआ है कि उनको मर्जर के बारे में बात करनी है, तो हमारा तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा, दैट वुड बी डिस्कसिंग मर्जर प्लान्स, नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऐसे आपने लिखना है, फिनेंस टीम मेंबर्स, और इस पे आपने ज्यादा टाइम अलॉट करना है। फिर चाय ब्रेक, टी ब्रेक ये एक डाल देना है, ये भी आपको आता है, इसका भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिस्कशन ऑन ग्रोइंग टेलीकॉम सेक्टर, अब हमने उन्होंने हमको बोला है क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में तुम्हारा कंपनी काम करता है, डिस्कशन ऑन ग्रोइंग टेलीकॉम सेक्टर, कोई और सेक्टर में काम करता है, डिस्कशन ऑन द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर लिख देना है, नेम ऑफ द स्पीकर लिख देना है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड डिस्कशन, ये भी बहुत ईजी पीजी था, टेलीकॉम रिलेटेड ही टॉपिक था, ये सिर्फ तीन टॉपिक्स ये तीन टॉपिक्स में से भी एक टॉपिक जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो बाकी तो टॉपिक्स आपको आपके मन से डालने हैं, दैट इज इट। बहुत ही ज्यादा इजी है और ऐसे करके आपका पूरा का पूरा एजेंडा बन जाता है, ठीक है। बस मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि आपको जब अगर आए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपने कैसे उसको लिखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, मिनट्स का ही क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग प्रिसाइडेड बाय द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी एंड एफएमसीजी कंपनी, द मेन एजेंडा ऑफ द मीटिंग वाज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, फिक्सिंग अ कॉस्ट, डिस्कसिंग द सेल्स एंड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज। मिनट्स बनाने हैं, स्पीकर्स इन्वॉल्वड वर द चेयरपर्सन, प्रोडक्ट हेड, सेल्स हेड एंड द क्रिएटिव डायरेक्टर, FMCG, न्यू प्रोडक्ट, फिक्सिंग कॉस्ट, डिस्कशन, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, ठीक है। डेट, मीटिंग स्टार्टेड एट, हम लोग मिनट्स लिख रहे हैं, मिनट्स क्या है सबसे पहले तो ये रिकॉल करना है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग, यस, ओके। अटेंडेंस में कौन कौन था, जितने भी लोग थे, आप लोग यहाँ पे एब्सेंटीज भी डाल सकते हो, ठीक है। एजेंडा क्या क्या था, ये चीजों पर डिस्कस करना, अब यहाँ से मिनट्स चालू हुए कि ये जो हमारे पर्सन है, चेयरपर्सन है, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि न्यू रेंज हमें चालू करनी है, फिर जो हमारे प्रोडक्ट हेड है उन्होंने हमें नए प्रोडक्ट के USP के बारे में बताया कि क्यों ये इतना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, फिर दूसरे पर्सन ने जो सेल्स हेड था उन्होंने डिटेल एनालिसिस दिया कि क्या कॉस्टिंग है, क्या ओवरहेड है, ये सारी चीज़ें, जो तीसरे पर्सन है उन्होंने एडवर्टाइजिंग के बारे में हमें बताया, हर टीम इंक्लूडिंग दिस इज एलैबोरेटेड ऑन एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज, ऑल पार्टिसिपेंट्स अप्रूव द प्लान, सबने प्लान अप्रूव कर दिया, सबने प्लान की बहुत तारीफ की, चेयरपर्सन ने ओपन हाउस डिक्लेयर किया और फिर सब लोगों ने अपने अपने कंसर्न्स और अपने अपने क्वेश्चंस रखे और फिर उन्होंने फाइनली वोट ऑफ थैंक्स दे दिया, कंक्लूजन स्टेटेड, प्रपोजल्स फॉर मोर फंड्स पुट फॉरवर्ड, ये वाला जो है एज इट इज सारे ही मिनट्स में आएगा, ठीक है। ATR टू बी सबमिटेड बाई डैश डैश डेट, ये इतना जो पार्ट है आप इसको स्क्वायर करके रख लो और यहाँ पर लिख लो कॉमन फॉर ऑल मिनट्स, ठीक है,
तो फिर आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर. इट वॉज अ वेरी ईजी चैप्टर. आई होप आपको समझ में आया, साथ साथ में आपको बहुत मज़ा भी आई ये चैप्टर को इमेजिन करने में. जितने भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बताई है. दैट्स इट. जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर. एक तो भी आप लोग मिनट्स जो है वो लिख कर देख लेना, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. हैव अ वेरी गुड डे अहेड. बाय बाय. आओ जो. टेक केयर.